तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक रसीले भैया को। दरअसल ये चमकीले भैया और कोई नहीं, हमारे भोंदू भैया ही हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये भैया तो बहुत चमकीले हैं, तो भोंदू भोंदू काहे बुला रहे हो। तो भाई साहब, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में, जहां हमारे भोंदू भैया एक पार्टी में मुंह से राल टपकाए सोफे में बैठे दिखाई दे रहे हैं। हर कोई चारा खा रहा है सिवाय हमारे भोंदू भैया के। वो चारे को देख सिर्फ राल टपकाए जा रहे हैं। तो उसी वक्त एक छेदूलाल टपक पड़ता है हमारे भोंदू भैया के सामने। दरअसल छेदूलाल और भोंदू भैया एक दूसरे के मित्र हैं। छेदूलाल बोलता है, भैया राल टपकाना छोड़ो, चारे के पास जाओ, उसे खाने की कोशिश करो। आपका शर्मिलापन आपके छोटे भाई को इंसाफ मिलने से रोक रहा है। ये बात सुनते ही हमारे भोंदू भैया दारू का दो गिलास खींच लेते हैं और बोलते हैं, भाई तूने सही कहा, मेरे भाई को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। बोलकर चले जाते हैं चारा के पास। इमोशन में भोंदू भैया का डांस बाहर निकल जाता है। अब हालांकि भोंदू भैया का डांस नाम की चिड़िया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर भी उन्होंने आज ठान लिया था कि छोटे भाई का सवाल है। अब भैया का डांस देख सब हंस रहे थे, लेकिन उस चारे को तरस आ जाता है हमारे भोंदू भैया के ऊपर कि बेचारा कितना मेहनत कर रहा है चारे के लिए। तरस खाकर चारा भी उनके साथ में नाचने लग जाती है। भोंदू भैया को चारा तो नहीं मिला, पर एक हौसला जरूर मिल जाता है आगे चारे को खाने का। अगले दिन भोंदू भैया अपनी मॉम से पूछते हैं कि हमें कोई लड़की घास क्यों नहीं डालती। तो उसकी मॉम उल्टा उस पर चिल्लाकर बोलती हैं कि घास घोड़े को डाला जाता है, कुत्ते को नहीं। फिर उसी दिन रात को हमारे भोंदू भैया एक और पार्टी में दिखाई देते हैं। मतलब कि उन्होंने ठान लिया है कि छोटे भाई को इंसाफ दिलाए बिना वो चुप नहीं बैठेंगे। तो हमारे भोंदू भैया को चारे के लिए रोता और गिड़गिड़ाता देख वहाँ एक चारा उनके पास आती है और तरस खाकर उन्हें चारा चखवाने का वादा भी करती है। इस मोहतरमा का नाम है चिकनी चमेली। अब चिकनी चमेली भोंदू भैया को चारा चखवाने के लिए एक रूम पर लेकर जाती है, लेकिन हमारे भोंदू भैया का इरादा चारे को सिर्फ चखना नहीं था बल्कि उसे पूरा का पूरा खा जाना था। ये बात सुन चमेली गुस्से में आ जाती है और उसे चारा चखवाना तो दूर, उसे सूंघने भी नहीं देती। अब भोंदू भैया का ये लालच उन्हें ले डुबा। बेचारे भोंदू भैया को चारा चखने मिल रहा था, लेकिन उनके लालच की वजह से उन्हें सूंघने तक नहीं मिला। तो इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला। अगले दिन उनके झाटू दोस्त उन पे चिल्ला रहे थे। वो बोल रहे थे कि चारे को कभी बोलना नहीं चाहिए कि उसे खा जाएंगे, बल्कि उसे बोलना चाहिए सिर्फ सूंघना चाहते हैं, और आपको सूंघने के बहाने चारे को लपक लेना होता है। आप भोंदू के भोंदू ही रहोगे, बोल वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन चमेली उन्हीं के एक झाटू दोस्त के गोद में बैठ उसे चारा सूंघा रही थी। भोंदू भैया बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे थे। अब उनका झाटू दोस्त उन्हें दिखा रहा था कि चारे को सूंघने के बहाने कैसे लपकाया जाता है। अब झाटू भैया यहाँ पर भी चारे को देख सिर्फ राल टपकाए जा रहे थे। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ, एक रास्ता हो सकता है, वो है बाथरूम में जाके हिलाना। तो हमारे भोंदू भैया ने वही किया। अगले दिन भोंदू भैया उस झाटू को बोल रहे थे कि तूने दिखाने के चक्कर में चारे को पूरा का पूरा सफा चक कर दिया मेरे ही सामने, और मैं तुम्हें देख हिलाता रह गया। कम से कम इस बेचारे दोस्त को तो पूछ लेता। मेरे छोटे भाई से निकला बद्दुआ तेरा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। भोंदू भैया का इमोशनल डायलॉग सुन सब हैरान थे, सब उन्हें देख रहे थे। झाटू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे सब मंजूर है, पर किसी के लंड से निकला बद्दुआ मुझे कतई मंजूर नहीं। बोल उनके नाक में एक मुक्का मारता है। भोंदू भैया अगले दिन ये बात अपनी मॉम को बताते हैं। उनकी माँ फिर से उनके ऊपर चिल्ला कर बोलती है कि अब यही सुनना बाकी था, बस इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस बड़ा किया कि तू गांड में मुक्का खाकर अपना सूजा हुआ गांड हिलाते हुए मेरे पास आए। तो अगले दिन हम देखते हैं कि भोंदू की माँ भोंदू को एक हॉलीडे पर लेकर जा रही है, जहाँ भोंदू एक खूबसूरत चारा रानी को देख फिदा हो जाता है। तो अब भोंदू भैया चारा के पास जाकर उसका नाम पूछते हैं और भोंदू भैया नाम के बाद डायरेक्ट उसको प्रपोज कर देते हैं। अब चारा रानी हैरान होकर बोलती है, अबे भोंदू है क्या? तो भोंदू बोलता है, अरे तुम्हें कैसे पता? अब एक तो चारा रानी यहाँ कन्फ्यूज थी और दूसरी तरफ उसको हंसी भी आ रही थी। भोंदू भैया उसको हंसता देख अपनी बेइज्जती फील करते हैं और अपना मुंह लटकाए वहां से जाने लग जाते हैं। तो चारा रानी उन्हें रोक बोलती है, अरे बुरा मत मानो, दरअसल तुम्हारी हरकत ही कुछ ऐसी है कि कोई भी हैरान हो जाएगा। दरअसल कोई भी लड़की एक लड़के से ये एक्सपेक्ट नहीं करती जैसा तुमने किया। खैर, हम दोस्त बन सकते हैं, बोलकर उसे रात को एक बीच पर मिलने के लिए बुलाती है। अब यहाँ भोंदू भैया की निकल पड़ी, उनके उदास चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब उनका सपना सच होता दिखाई दे रहा था, उनके छोटे भाई को इंसाफ मिलने वाला था, छोटे भाई की प्यास बुझने वाली थी। भोंदू भैया बहुत एक्साइटेड थे। आगे हम देखते हैं दोनों को बीच पर, जहां भोंदू भैया बोल रहे थे कि उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ है। वो अपनी दुख भरी कहानी चारा रानी को सुनाते हैं।
वो बोलते हैं कि उनके छोटे भाई को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जो भी चारा उनके पास आता उनके भाई को उठाकर चल जाता। मेरा छोटा भाई हर एक दिन उठता है ये सोचकर कि आज उसे चारा मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। चारा मिलना तो दूर, अभी तक उन्होंने चारे को सूंघा तक नहीं। ये इमोशनल कहानी सुन हमारी चारा रानी भावुक हो जाती है। तभी भोंदू भैया बोलते हैं, कम से कम तुम तो मेरे छोटे भाई को इंसाफ दिला सकती हो। मैं दुनिया से हार चुका हूँ, मेरे छोटे भाई का रो रो कर बुरा हाल है, प्लीज रहम करो। अब यहाँ चारा रानी बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं एक पप्पी दे सकती हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ भोंदू भैया को उसके दो झांटू की बात याद आ जाती है कि चारे को सूंघने के बहाने ही खाया जाता है। तो भोंदू भैया बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी चारा बोलती है, इतनी आसानी से नहीं, इसे पहले तुम्हें मेरे लिए एक गाना गाना पड़ेगा। तो भोंदू भैया वहाँ पर गाना गाने लग जाते हैं। वो गाना कुछ ऐसा था, चारा को रानी से प्यार हो गया, चारा चखने को तैयार हो गया, चारा चखवाने को राजी हुई, और दोनों में घबाघब संसार हो गया। अब ये गाना सुन चारा रानी मदहोश हो गई। कहीं ना कहीं चारा रानी के दिल पे टच हो गया था ये गाना। तो फाइनली चारा रानी ने चारा चखवाया और हमारे भोंदू भैया ने चारा को सूंघने के बहाने चारा पूरा का पूरा खा लिया। अब जाके भोंदू के छोटे भाई को इंसाफ मिल पाया। मगर भोंदू भैया को ये बात मालूम नहीं था कि शेर को खून चखवाने से उसकी भूख नहीं मिट जाती, बल्कि भूख और बढ़ जाती है। सेम टू सेम भोंदू भैया के छोटे भाई ने चारा चख लिया था। अब उसका मन कहाँ भरने वाला था, अब उसे और चारा चाहिए। अब एक वैरायटी का चारा उसको शांत नहीं कर पाएगा, वैरायटी वैरायटी के चारे चाहिए। तो यहाँ हमारे भोंदू भैया का छोटा भाई अब और भूखा हो गया था। अब भोंदू भैया अपने भाई को शांत करवाने के लिए वो अपना लुक ही चेंज करवा लेते हैं, ताकि भारी मात्रा में चारा उनके पास आए, उन्हें चारा के लिए तरसना ना पड़े, बल्कि चारा खुद पास आकर बोले कि ले चख ले। और सेम टू सेम ऐसा ही होता है। पहले जो चिकनी चमेली ने भोंदू भैया को चारा सूंघने भी नहीं दिया था, वही चमेली अब चारा खिलाने के लिए तैयार है। तो हमारे भोंदू भैया का दिन बहुत अच्छा चल रहा था। अब उन्हें कोई भी चारा दे वो खुशी खुशी से ले लेते थे। यहाँ तक के स्कूल की मोटी लड़की को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उसका भी चारा चपाचट कर गए। अब वो सबके बाद भोंदू भैया फील करते हैं कि उन्होंने जो पहली बार चारा खाया था उसके कंपैरिजन में सब चारे फीके हैं। मतलब कि भोंदू भैया चारा रानी को दिल दे बैठे हैं। तभी वो चारा रानी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन बंद था। फेसबुक में खोजते हैं, नहीं मिलती। उसके बाद इंस्टा में खोजते हैं, तब जाकर कांटेक्ट हो पाता है। वो कहते हैं, मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे। कहते ही अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों एक साथ हैं। दोनों चुम्मा चाटी करते हैं, घबाघब करते हैं, और लास्ट में भोंदू बोलता है कि हमें हमारा रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। चारा रानी बोलती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो भोंदू बोलता है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, मुझे मालूम है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम मेरे बगैर भी नहीं रह सकती। तो चारा रानी बोलती है कि जब चाहो तुम मुझसे मिल सकते हो और हमारे बीच घबाघब का सिलसिला भी चलता रहेगा, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो बहुत अमीर है और मैंने उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है क्योंकि मुझे ऐसा ही लाइफ पसंद है। अब भोंदू भैया का छोटा भाई तो बहुत मजे ले रहा है, लेकिन अब बात आ जाती है हमारे भोंदू भैया के दिल पर। अब छोटे भाई का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन दिल ने तंग करना शुरू कर दिया। मतलब एक सॉल्व होते ही दूसरा शुरू। तो उनको दिल से बुरा लग रहा था कि उनकी चारा रानी सिर्फ उनके साथ घबाघब ही करना चाहती है। मतलब अब ये हो रहा था कि भोंदू भैया अपने छोटे भाई के इंसाफ के चक्कर में दिल की कुर्बानी दे बैठे। तो उसके बाद हमारे भोंदू भैया टूटे दिल के साथ वापस घर आ जाते हैं और उनकी मॉम उनको देख ये समझाती है कि जिंदगी में बेटा बहुत कुछ होता है, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन स्कूल में झांटू भोंदू के लिए जाल बुन रहा था, लेकिन उसका जाल उसी पे भारी पड़ गया। वो भोंदू के नाम पे मोटी को भड़का रहा था, लेकिन मोटी उस पे ही लट्टू हो जाती है। अब झांटू उसे पीछा छुटाना चाहता है। ये बात मोटी को पता चलते ही वो एक मुक्का झांटू के नाक पे मारती है और झांटू स्लो मोशन में जाके गिरता है। जैसे शुरुआत में झांटू ने भोंदू को मारा था, ठीक वैसे ही। अब दूसरी तरफ चमेली भोंदू को चाहने लगी है, तो भोंदू को डेट के लिए पूछती है। भोंदू भैया भी मान जाता है क्योंकि वो अपने टूटे हुए दिल को शांत करना चाहता था। वहाँ चमेली बोलती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो भोंदू भी उसको बोलता है, मैं भी। हालांकि उसका दिल चारा रानी को ही चाहता है, उसको भुला नहीं पा रहा, फिर भी तसल्ली के लिए ही बोल रहा होता है। अब दोनों का रिलेशन बहुत आगे बढ़ जाता है। अब भोंदू भी चमेली को चाहने लगा है, लेकिन उसी वक्त चारा रानी का कॉल आ जाता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे टाउन पे हूँ,
मुझे पिक करने आओ। भोंदू घबरा जाता है, टेंशन में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा होता है। चमेली को लगता है कि उसे शायद सूसू आया होगा, तो भोंदू बोलता है कि मैं तुमसे अभी मिलता हूँ, बोलकर वहाँ से चला जाता है। चारा से मिलता है और चारा रानी उसे किस करती है और भोंदू चारा रानी को अपने घर लेकर जाता है। घर आने के बाद उसकी मॉम चारा को अपने परिवार की एल्बम दिखाने लग जाती है। अब उसी वक्त भोंदू को चमेली का कॉल आ जाता है, वो कहती है कि तुम थोड़ी देर के बाद आने वाले थे। तो भोंदू भैया बोलते हैं कि आज मेरी कजन सिस्टर आई है और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा, हम लोग कल मिल लेंगे। तो यहाँ चमेली गुस्सा होकर बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। तो भोंदू भैया बोलते हैं हमारा अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तुम मुझे इस तरह से हक नहीं जता सकती, बोल फोन काट देते हैं। अब भोंदू भैया यहाँ कंफ्यूज थे कि उन्हें चमेली चाहिए या चारा रानी। वो अपनी मॉम को सारी बातें बताते हैं। उनकी मॉम यहाँ चिल्ला के तो नहीं बोलती, लेकिन प्यार से कहती हैं कि तुझे अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि ये दिल का मामला है, यहाँ पर दिमाग को यूज मत कर, जो तेरा दिल कहे वही कर। अब यहाँ भोंदू भैया चारा रानी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेता है दिल से। तो कुछ दिन बाद चमेली वहाँ आती है और बोलती है मेरे फोन का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे, क्या गलती हो गया मुझसे कि तुम मुझसे दूर होना चाहते हो, क्या कोई मिल गया क्या। तो भोंदू यहाँ बोलता है मेरा दिल कहता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमारी जोड़ी कहीं और है। वहाँ पर चमेली बहुत रोती है, लेकिन भोंदू भैया उसको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं। अब भोंदू भैया ने चारा से शादी कर ली है, उसके साथ जीवन अच्छे से बिता रहे हैं और वो चारा के साथ बहुत खुश भी हैं। अब यहाँ बात आती है कि भोंदू भैया ने चमेली के साथ अच्छा किया या बुरा, इसका जवाब आपको इस मूवी के एक्सप्लेन में मिल जाएगा। अगर आपने शुरू से इस स्टोरी को नोट किया हो तो आप ये पता लगा सकते हैं कि भोंदू ने सही किया या गलत। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और आशा करता हूँ कि आप रिपीट देखकर ये पता लगा लेंगे कि भोंदू भैया यहाँ सही थे या गलत। तो गुड बाय, और हम फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ।